हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. दिस इज सुनील वर्मा. थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि YouTube ने जो 2020 का न्यू मोनेटाइजेशन अपडेट दिया है उस बारे में. हाँ, जानता हूँ कि इस बारे में ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, लेकिन जो भी लोगों ने वीडियो बनाई है इतनी नेगेटिव वीडियो बनाई है कि यार लोग सोचते हैं कि क्या हो गया ऐसा कि 2020 में हमारा जो मोनेटाइजेशन वो इनेबल होगा भी नहीं. मतलब इतना डरा दिया है. जो लोग बोलते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है, और इस तरह के अपडेट वाले अपना थंबनेल इस तरह का लगा रहा है कि जैसे तो अब बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है 2020 में अपने चैनल को मोनेटाइज कराना. तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. जो सा पहले था वैसा ही अब है. तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. जो लोग अभी न्यू यूट्यूबर हैं या फिर जिन्हें अपना चैनल मोनेटाइज कराना है या फिर जो अपना जो टारगेट था उससे अचीव कर चुके हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. जैसा पहले था, पहले 1000 सब्सक्राइबर आपको करने होते थे, वैसा भी अभी है. 4000 हार्स का जो वॉच टाइम है वो आपको पूरा करना था, तो सेम कंडीशन अभी है. कुछ भी चेंज नहीं हुआ है उसमें. अब क्या चेंज हुआ है इस बारे में हम बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में. सो बात करते हैं पहली चीज़ की. तो YouTube ने ये कहा है कि जब आप अपना वॉच टाइम पूरा कर लेते हैं, 1K सब्सक्राइबर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको जो अपना चैनल है वो भेजना पड़ेगा रिव्यू पे. तो पहले भी हम अपना जो चैनल था वो रिव्यू पे भेजते थे. अब लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो चैनल है वो काफ़ी अच्छे से चेक किया जाएगा, लेंस लगा के चेक किया जाएगा, ऐसे चेक किया जाएगा, वैसे चेक किया जाएगा. तो भाइयों, पहले भी चैनल चेक होते थे, और जो मोनेटाइजेशन में कम से कम भी मेरा जो पहले वाला चैनल था वो 10 दिन में मोनेटाइज हो गया था, और किसी किसी के जो चैनल थे वो अंडर व्यू 1 महीना 3 महीने. तो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उनके जो चैनल हैं वो अंडर व्यू रह चुके हैं 3 महीने तक. तो जो पहले कंडीशन थी वही थी, पहले भी चैनल चेक होते थे, अभी भी चैनल चेक होंगे. तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है. हाँ, पहले YouTube ने ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया था, इस बार इन्होंने क्लियरली ये लिख के दे दिया है. तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये भी पहले जैसा ही है. तो दूसरे अपडेट की अगर हम बात करें तो YouTube ने ये कहा है कि आपका जो थीम है वो थीम चेक किया जाएगा कि आप किस थीम पर अपने वीडियो बना रहे हैं. तो इसमें क्या चेंज हुआ, थीम का मतलब क्या है, आप चैनल की कैटेगरी. तो YouTube सिर्फ ये चेक करेगा कि आप किस कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं. पता चले कि आपकी टैग की कैटेगरी है और आप कोई वीडियो उस पर अपलोड कर रहे हैं, कोई गाने या लेटेस्ट गाने उस पर वीडियो कर रहे हैं, तो ये तो पहले भी था ना. इसमें चेंज क्या हुआ, YouTube ने कैटेगरी क्यों दी है, इसीलिए दी है ताकि आप एक कैटेगरी चूज़ कर लो और उसी कैटेगरी में आप अपने वीडियो बनाओ. मेरी कैटेगरी दूसरा चैनल है वो है फिटनेस से रिलेटेड, उस पर जो भी वीडियो होते हैं वो फिटनेस से रिलेटेड वीडियो होते हैं. अगर मैं उस पर टैग से रिलेटेड वीडियो डालने लग जाऊँ दूसरा ये चैनल ना बना के, तो YouTube तो इसे चेक करेगा ना. तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो जो पहले था वही है. बस यह है कि YouTube इस चीज़ को चेक करेगा कि आप किस तरह के वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पे, आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी वीडियो का जो थीम है वो किस तरह का है. तो दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं बिल्कुल पॉजिटिव वे में. तो यहाँ पे जो अपडेट YouTube ने दिया है उसमें उसने ये कहा है कि आपके जो मोस्ट व्यू वीडियो है, यानी ऐसा वीडियो जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज आपके आए हैं, उसे वो अच्छे से चेक करेगा. पहले भी करता था, लेकिन अब YouTube ने इसे लिख के दे दिया है. अब उसके अंदर वो क्या चेक करेगा कि आपने कोई YouTube की पॉलिसी है उसका वायलेशन तो नहीं किया है, आपकी वीडियो में कोई कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है, या फिर एक सबसे बड़ी चीज़ जैसे कि मेरा चैनल है फिटनेस से रिलेटेड या फिर टैक से रिलेटेड. अब रिसेंटली कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिनको लोगों ने अपने चैनल पे अपलोड किया, जैसे टैक चैनल है, आपने अपलोड कर दिया कि रानू मंडल की सक्सेस, यानी रानू मंडल के जो वीडियो थे बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वायरल हुए थे, या फिर अभी 40 दिन की एक बच्ची थी उसका जो एम्बुलेंस वाला वीडियो था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था. बहुत टाइम पहले एक वीडियो आया था JCB खुदाई. पता चले कि आपकी जो कैटेगरी है वो तो है टैक से रिलेटेड, और आपने इस तरह के जो ट्रेंडिंग टॉपिक पे उन पे व्यूज़ पाके, और आपने अपने जो 1000 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा कर लिया, उसी से आपने अपना वॉच टाइम पूरा कर लिया. तो ये तो बिल्कुल देखेगा ही वो. तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है. तो दोस्तों, नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने करी अपनी पोजीशन चेंज. तो नेक्स्ट अपडेट की हम बात करें तो YouTube का कहना है कि रिसेंट आपने 15 दिन या 1 महीने में जितने वीडियो अपलोड करें, 15 डेज़ मान लीजिए कि 15 डेज़ के अंदर आपने कितने वीडियो अपलोड करे हैं और किस कैटेगरी में आपने वीडियो अपलोड करे हैं, यानी अगर आपकी टैग की कैटेगरी है तो आपने टैग से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करे हैं, तो वो ये चेक करेगा कि आपका जो थीम है वो किस तरह का थीम है, आपने जो जिस कैटेगरी में अपनी वीडियो डालना शुरू किया है क्या आप उसी कैटेगरी में कंटिन्यू है या नहीं, और कहीं आप मिक्स कंटेंट तो नहीं डाल रहे हैं कि आपने टैग का रिलेटेड वीडियो डाल दिया, उसके अंदर आपने व्लॉग भी डाल दिए, आप उसने फिटनेस से रिलेटेड वीडियो भी डाल दिए, आपकी मर्जी में जो पड़ रहा है आप उसमें वो डाल दें. तो ये भी जो चीज़ है यूट्यूब चेक करेगा, और इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है. यूट्यूब पहले भी ये चेक करता था, लेकिन ये सब लिख के नहीं दिया था, इस बार उन्होंने बस इसे लिख के दिया है. इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि यूट्यूब का कहना है कि वो ये भी चेक करेगा कि आपने जो 4000 आवर्स का वॉच टाइम पूरा किया है वो कैसे आपका आया है, वो सुजेस्टेड वीडियो से आया है, एक्सटर्नल सोर्सेज से आया है, या फिर वो किस सोर्स से आया है.
तो ये भी YouTube चेक करेगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले भी वो चेक करता था और अभी भी वो उसी तरह से चेक करेगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की हम बात करें तो YouTube का कहना है कि आपका जो मेटा डेटा है वो उसे भी अच्छे से चेक करेगा, यानी आपका जो थंबनेल है वो आपने जो वीडियो बनाया उससे रिलेटेड है या नहीं, आपका जो टाइटल है, आपने जो टैग्स लगा रखे हैं, पता चले कि आपका जो थंबनेल आपने किसी और चीज़ का लगा रखा है वल्गर या फिर ऐसा, ताकि लोग उस पर क्लिक करें, क्लिक बैट तो नहीं हो रहा है, टाइटल आपका कुछ और दिया हुआ है, आपका टाइटल और थंबनेल किसी और चीज़ का है और आपने किसी का नाम टैग में घुसे रखा है, तो वो जो चीज़ें हैं तो ये YouTube पहले भी चेक करता था और इसको अभी भी चेक करने वाला है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो बस ये है कि पहले YouTube ने ऐसा कहीं लिख के मेंशन नहीं किया था, YouTube ने सिर्फ इसे अपडेट कर दिया है, लिख के दे दिया है और इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों सबसे लास्ट YouTube ने ये भी कहा है कि ये जो पॉइंट उन्हें बताए हैं तो ये तो एक नॉर्मल पॉइंट मान लीजिए, इसके अलावा YouTube की जो रिव्यूअर टीम है उन्हें अगर किसी भी चीज़ में थोड़ा सा कुछ भी डाउट लगेगा तो वो आपके जो चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगी। तो ऐसा पहले भी हो चुका है, लोगों के काफ़ी दिन तक जो चैनल है वो रिव्यू में रहते हैं और कई बार तो मेल नहीं भी आती है और कई बार मेल आ भी जाती है तो उसके अंदर वो रीज़न भी मेंशन रखते हैं कि भाई मेटा वेटा की वजह से जो आपका चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हुआ है या फिर आपकी कोई इनवैलिड एक्टिविटी है इसके अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको पता चल ही गया होगा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा ही है, बस YouTube ने कहीं मेंशन नहीं किया था इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब YouTube ने सब कुछ मेंशन कर दिया है ताकि कोई गलतफहमी में ना रहे। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से काम करो, धैर्य से काम करो, जीतोड़ वीडियो अपलोड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। सो दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, आराम से काम करो, बिल्कुल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होकर काम करो, बस कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करो जिसको आपको लगता है कि आपके चैनल के मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स या सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।